श्री गणेश जी के प्रथम पूज्य बनने की कहानी। एक बार भगवान शंकर की यहाँ उनके दोनों पुत्रों में होड़ लगी कि बड़ा कौन है। निर्णय लेने के लिए दोनों गए शिव पार्वती के पास। शिव पार्वती ने कहा, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले पहुंचेगा उसी का बड़प्पन माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर निकल गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी चुपके से एकांत में चले गए और थोड़ी देर बाद शांत रहने के बाद एक उपाय खोजा और झट से उन्हें एक उपाय मिल गया। जो ध्यान करते हैं, शांत बैठते हैं, उन्हें अंतर्यामी परमात्मा सत प्रेरणा देते हैं। अतः किसी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान का ध्यान करके थोड़ी देर शांत बैठो तो कोई ना कोई उपाय मिल जाता है। फिर गणपति जी आए शिव पार्वती के पास। माता पिता का हाथ पकड़कर दोनों को ऊंचे आसन पर बिठाया, पत्र पुष्प से उनके श्री चरणों की पूजा की और प्रदक्षिणा करने लगे। एक चक्कर पूरा हुआ तो प्रणाम किया, दूसरा चक्कर लगाकर प्रणाम किया। इस प्रकार माता पिता की 7 प्रदक्षिणा की। शिव पार्वती ने पूछा, वत्स, ये प्रदक्षिणाएं क्यों की? गणपति जी, सर्व तीर्थमय माता, सर्व देवमय पिता, सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य माता की प्रदक्षिणा करने से हो जाता है, यह शास्त्र वचन है। पिता का पूजन करने से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है, पिता देव स्वरूप हैं। अतः आपकी परिक्रमा कर मैंने संपूर्ण पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर ली हैं। तब से गणपति जी प्रथम पूज्य हो गए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।